Ready? One. Bust it up. Ooh. That's what you gotta do is when you lift it up. You're gonna be like, ah! Ah! Ready? Yes, sir. Keep looking that way. Split your stance up like this. Go for it. Bring yourself. Yep, give me three more. Om Namah Shivaya. Two more. Om Namah Shivaya. That's good. Om Namah Shivaya. फिल्मों की वजह से और अपने जो आपकी बेबाक अंदाज है उसकी वजह से तो आप पॉपुलर हैं, लेकिन आजकल आपका वो जो फिटनेस वाला एक वीडियो है जो आप हमारे जैसे नए लोगों को भी चैलेंज देते रहते हैं, वो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो कैसे फिट रखते हैं आप अपने आप? मैंने ये सवाल सुनने के लिए ये सब करना पड़ा क्योंकि मेरे से सब यही सवाल करते थे जी आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं या आप टीचर हैं। मैं सोच रहा यार ये मेरी फिटनेस को लेकर काफ़ी सवाल करेंगे, तो उसके लिए मुझे वो मेहनत करनी पड़ी। बड़ा डिफ़िकल्ट है टू मेंटेन। पीपल हु आर वेरी फिट हु डू एक्सरसाइज एवरी डे रियली हैट्स ऑफ टू देम, बट एक बार शुरू हो जाए ना फिटनेस का काम तो फिर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप भी जिम विम जाते रहते होंगे ना, आपको पता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब लोग फिर ऐसे सवाल करते हैं और फिर रोज़ आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको अपना जो शरीर है वो अच्छा लगता है तो मानसिक रूप से भी वो अच्छा रहता है। जब आप कसरत करते हैं या योगा करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो सारा दिन आपका शरीर के अलावा मानसिक भी जो है वो संतुलन थोड़ा बेटर रहता है। शरीर स्वस्थ है तो मानसिक संतुलन स्वस्थ रहेगा, तो वो भी अच्छा है। और फिर मेरे को प्रेरणा देने वाले सलमान थे, अक्षय थे, जिन्होंने शुरू में मुझे कहा था यार आप एक्सरसाइज करा करो। अनिल कपूर मेरे दोस्त, मैं तो पूरा अनिल कपूर साहब का ही जिम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, तो मेरे ट्रेनर भी अच्छे हैं, यहाँ पर मेरे ट्रेनर इंडिया में एंथनी है, वो भी इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय और मेरे साथ पेशेंस से काम करते हैं।